विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। अक्षय जैन नाम के एक बहुत मजबूत और व्यंग्यकार एक कवि हो गए, जिनकी पंक्तियां अक्सर ऐसे मुझे मेरे दिल को छू चुकी है, मेरे दिल में छा चुकी है। और ऐसे उस अक्षय जैन मुलुंड से और उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दिल से कभी कभी निकली हुई जो पंक्तियां होती है, एक मन की संवेदना होती है, सच में झकझोर देती है। आज का वर्तमान जो हमारा भारत है और उसका जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, सच में आज मैं इस चैनल के माध्यम से उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ कि ऐसे ही वो अपनी लेखनी को, अपनी कलम को आगे बढ़ाते रहे। वो कहते हैं, चारों तरफ जो तबाही है और उस तबाही को देखकर और उनके मन में, उनके आँख में जो आंसू, और उसी शब्द को उन्होंने एक कविता के माध्यम से उन्होंने जो पेश किया है, उजड़ा उजड़ा चमन है साथी, उजड़ा उजड़ा चमन है साथी और भीगे भीगे नयन है साथी, ये नैया पार लगेगी कैसे, राम भरोसे वतन है साथी। जनता को वनवास मिला है और गद्दारों को राज मिला है, जनता को वनवास मिला है और गद्दारों को राज मिला है। अरे रोटी महंगी सस्ती कारे, ये कैसा स्वराज मिला है, ये कैसा स्वराज मिला है। ढोल नगाड़ा गाजा बाजा और गूंगी जनता और बहरा राजा, ढोल नगाड़ा गाजा बाजा, गूंगी जनता और बहरा राजा। भूखी है आधी आबादी और कैसे कहे हम इसे आजादी, अपने रीति रिवाजों पर जिसे कोई अभिमान नहीं, अपने रीति रिवाजों पर जिससे कोई अभिमान नहीं। जहां गायों कटती लाखों में, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा पालीताना नहीं, नहीं वो मेरा पालीताना नहीं हो सकता है। मेरा पालीताना, मेरा शत्रुंजय गिरिराज, मेरा ये हिंदुस्तान, मेरा भारत, भव्य भारत, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान, ये हमारा हिंदुस्तान, ये अहिंसा से, अहिंसा धर्म से, और जिस तरह से ये हर रोम रोम में, हर रग रग में, हर घर घर में, हर घट घट में ये अहिंसा से व्याप्त हिंदुस्तान था, आज उसी देश के अंदर देखो तो जहां पर दूध और दही की नदियां बहती थी, वह आज खून की नदियां बह रही है, खून की नदियां। और इसीलिए और चार पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूं। हमने लड़ने की ठानी है, हमने लड़ने की ठानी है, हमने हार नहीं मानी है। अरे जान से बढ़कर क्या वो लेंगे, जान से बढ़कर क्या वो लेंगे, अरे जान तो आनी जानी है, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेरे जिंदगी के 7 साल हो गए, 2014 जब मोदी जी राज सत्ता के ऊपर आए और सीएम से जब वो पीएम बने, और उसी 2014 से मेरी भी एक अहिंसा यात्रा का, पालीताना तीर्थ रक्षा तथा जीव रक्षा अभियान, इस अभियान का प्रारंभ हुआ। आप रोज वीडियो क्लिप्स देख रहे हो, आप रोज, आपके सामने सब कुछ मैं पेश कर रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम जिस तरह से आपको झकझोरने के लिए, आपको ये जो भी कुछ सत्य हकीकत का बयान आपके सामने लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं एक ही मकसद के साथ, क्योंकि आप जब भी पालीताना आते हैं आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जैसे ही आप सोनगढ़ स्टेशन पर उतरे, वहाँ से सीधे आप या तो कोई वाहन में या रिक्शा में पालीताना आते हो, धर्मशाला में आप पहुँच गए, धर्मशाला से जब आपको यात्रा करने के लिए जाना है रिक्शा में सीधे आप तलेटी चले जाते हो, तलेटी में वहाँ पर डोली करके सीधे ऊपर चले जाते हो, यात्रा करके दादा की सेवा भक्ति पूजा कर वापस डोली में नीचे उतरते हो, पैदल चलते होगे, कोई डोली में ऊपर चढ़ता है, लेकिन जैसे यात्रा पूरी हुई भाते खाते में
भाता का लाभ दिया, रिक्शा में वापस बैक टू आपके धर्मशाला में, धर्मशाला से जब भी आपको निकलना है गाड़ी में बैठे, रिक्शा में बैठे, सीधे सोनगढ़ स्टेशन और आप वापस बैक टू पवेलियन आपके यथास्थान पर आप आ जाते हो। आपको पता नहीं है कि पालीतना गांव में क्या हो रहा है, पालीतना जो सिटी है, पालीतना जो हमारा तीर्थ है, ये जो तलेटी रोड के सिवाय भी जो पूरा पालीतना गांव है जहाँ पर हमने चातुर्मास भी किया है, तो वहाँ के आसपास की क्या स्थिति है वो आप कभी, क्योंकि आप डायरेक्ट आप सीधे बाईपास निकल जाते हो तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप कभी आते भी हो तो भी एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप नवानु करते हो तो नवानु आपका मकसद एक ही होता है, 4 बजे हमको उपाशय से धर्मशाला से निकलना है और फिर बस आज 3 यात्रा, 4 यात्रा, 2 यात्रा का टारगेट होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यात्रा पूरी, वापस आप धर्मशाला में आ जाते हो। तो आपको वो कुछ पता नहीं है कि जो हमने वहाँ पर 5 साल रुक कर जो देखा है, जो अनुभव किया है, और इसीलिए उस वास्तविकता को, उस नग्न सत्य को आपके सामने प्रकट करने के लिए ही हम ये सब माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सब कुछ प्रस्तुति कर रहे हैं। जब वो हमारी महारैली निकली, जो आपने परसों ही आपने वो महारैली देखी, कल देखी आपने वो महारैली, जो भी कुछ ये सब वीडियोस, तो उस महारैली के बाद तो काफ़ी हलचल मची पूरे पालीतना के अंदर, और उस हलचल के बाद बहुत सारे कसाई हमारे दुश्मन हो गए। हमने एक मीटिंग का आयोजन किया, उस मीटिंग में हमने पूरे पालीतना के सभी कसाइयों को हमने बुलाया, और जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो आमने सामने, ये तो स्क्रीन के ऊपर आप मुझे देख रहे हो, लेकिन रियलिटी में जो होता है लाइव, हम आमने सामने बैठे हैं और एक ही हॉल में मेरे सामने कम से कम 70-80 कसाई बैठे हुए हैं और सब मुझे धमकी दे रहे हैं कि देखो गुरुजी, आप कई साल के बाद पालीतना आए हैं और आप यात्रा करो, आप धर्म ध्यान करो, लेकिन आप इस विषय में आप बहुत इसमें कुछ हमारे सामने जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हो, आप हमें डिस्टर्ब ना करो तो अच्छा है, हमें हमारा काम करने दीजिए। मैंने कहा आपका काम है जीव हिंसा करना, तो मेरा काम है जीवों की हिंसा रोकना, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे कहा है कि किसी भी जीव का वध नहीं होना चाहिए, किसी भी जीव को किलाना नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव को व्याघात नहीं होना चाहिए, मैं मेरा काम कर रहा हूं। और इस भूमि के अंदर अगर आपका मक्का पवित्र है, आपका अमृतसर पवित्र है, आप उसे पाक भूमि मानते हो, तो वैसे ये पालीताना हमारे लिए महापाक भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि पूरे विश्व के अंदर और कहीं नहीं है, तीनों लोक में 14 राजलोक के अंदर कहीं पर भी शत्रु ने जैसी पवित्र आपको कहीं पर भी भूमि मिलेगी नहीं। और इसलिए हम चाहते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं, आप हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर हिंसा करेंगे वो भी बिना लाइसेंस, अगर वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए हम आपके पेट पर लात नहीं मारना चाहते हैं। इसलिए आज से हम आपके सामने स्कीम रखते हैं, कसाई हृदय परिवर्तन। जो भी आपने अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहता है, आप कसाई हो पेशे से मुझे पता है, तो लेकिन आप और भी तो बिजनेस कर सकते हो, आप जो भी कपड़े की दुकान खोल सकते हो, आप चप्पल बूट की दुकान खोल सकते हो, आपके बहुत सारे कम से कम 50-100 दुकानें आप खोल सकते हो, आपको जो भी करना है उसके लिए फाइनेंस हम करेंगे। आपका हृदय परिवर्तन, आपका व्यवसाय परिवर्तन करना होगा, जिस तरह से महाराजा कुमारपाल ने किया था आप वैसा कर सकते हो, और उस सिलसिले में हमने वो हृदय परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, कसाई परिवर्तन का हमने वो पूरा अभियान चालू किया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आठ नहीं, दस नहीं, आप नहीं मानोगे, लेकिन दादा आदिनाथ की परम कृपा से 13-13 कसाइयों ने, और सिर्फ कसाई नहीं, उसमें जो नॉनवेज होटल चलाते थे, लॉज चलाते थे, और ऐसे भी कई शख्सों ने सिंधी, ऐसी बड़ी बड़ी दो लॉज थी, और उन्होंने भी पूरा हृदय परिवर्तन करवा कर, और हमने उनको, उन्होंने जो रकम बोल कही और हमने उनको रकम दी और उनका व्यवसाय परिवर्तन करवाया। उनके वहाँ जाकर हमने कई दुकानों में हमने उनका ओपनिंग करवाया। नहीं, आपने इतना ज़बरदस्त आपने साथ दिया है हमको, भगवान आदिनाथ की कसम खाकर, अल्लाह की कसम खाकर, अपने अपने इष्ट देव की कसम खाकर, और उन्होंने नोटरी करवाई। आपको नोटरी भी दिखाई जा रही, देखो आप नोटरी देखना, सबके पास हमने लिखवा दिया, सिग्नेचर हुआ, सब कुछ हुआ, और इस तरह से हमने 13 कसाईयों का हृदय परिवर्तन किया, और उसके बाद
वापिस कुछ ऐसे बदमाश लोग पालीतरा में आ गए अहमदाबाद से, सबको भड़काया और वो स्कीम हमारी स्थगित रह गई। नहीं, हम तो काटेंगे, खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकी देने वापिस धमकी देने लगे। जो 13 कन्वर्ट हुए सो हुए, लेकिन उसके पश्चात हमने वापिस उपवास आंदोलन किया, हमने मीट डोनेशन का प्रोग्राम किया। उसकी विगत हम आपको आगे के उसमें दिखाएंगे कि उपवास आंदोलन क्या था। ये मीट डोनेशन, ब्लड डोनेशन आपने सुना है, लेकिन ये मीट डोनेशन क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके बाद हमने जिस तरह से जीवदय का अभियान नॉन स्टॉप 7 साल हो गए, जिस तरह से हमारा अभियान आगे बढ़ रहा है, हमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य हम कर रहे, सिर पर कफन बांध कर रहे हैं। और इसीलिए एक गर्भवती गाय जिस तरह से वो एक ऊपर शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर खाई में उतर गई थी, और उसको किस तरह से सुबह से शाम तक की मेहनत कर उस गाय को उठाकर और उसको कैसे नीचे हमारे कार्यकर्ता, हमारे डोली वाले लेकर आए। देखो, प्लस माइनस सब जगह होता है, कुछ डोली वाले परेशान भी करे, कुछ डोली वाले अच्छे भी होते हैं। तो वैसे कुछ अच्छे डोली वाले उस गाय को बचाकर कैसे लेकर आए, और एक भैंस जो ऐसी एक गड्ढे के अंदर उतर गई थी, जो जिसका बचना नामुमकिन था, और उसको भी कैसे हमने बचाया, ये सब चमत्कार दादा आदिनाथ का ही चमत्कार है। और ऐसे ये दो वीडियो आज आपको देखने होंगे, आपको भी पता चले कि कैसे काम होते हैं और कैसे जान जान हथेली में लेकर और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जीव दया का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, मेरे कुछ सपने जीव दया को लेकर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ऑब्जर्वेशन करो, फिर प्लानिंग, फिर आगे हमारा जो भी कुछ हमारा प्रोसेस होगा। तो ऑब्जर्वेशन आप जरूर कीजिएगा, और आप इन सभी की अनुमोदना कीजिए जो इस जीव दया अभियान में एक एक जीव को बचाने के लिए जो जो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी हमको प्यारी है, वैसे सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, और इन सबको बचाना वो हमारा कर्तव्य है। चलो इस कर्तव्य में आगे बढ़ते हैं, आप जरूर देखिए, सबकी अनुमोदना कीजिए। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर श्री श्री महाराज की जय हो। आज हमारे 4 बच्चे आपके सामने भगवान आदिनाथ की जय बुलाएंगे, और आपको भी जो भी आप देख रहे हो, आप भी इसी तरह से आप जय जयकार करना, आपके घर में भी आप जय जयकार करना, पूरे विश्व में दादा आदिनाथ का नाम गुंजित करना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय 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 गिरिराज, जय 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 आदिनाथ। बोलो मारा वाला से आदेश्वर भगवान। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री, अरे जय जय श्री, अरे भैंस बचावे आदिनाथ, भैंस बचावे, जीव बचावे। लाकड़ी कोनी छे अपनी अरे बोलो सिया राम चंद्र की जय, बोलो सिया राम चंद्र की जय, बोलो ईश्वर भगवान की जय, बोलो सिद्ध गिरिराज की जय। सभी ने जो मेहनत की ना, तहे दिल से मैं सबकी अनुमोदना करता हूँ।
नहीं तो आज ये भैंस नहीं बचती, नहीं हमारे गिरिराज के ऊपर एक भैंस चरी मर जाती, लेकिन दादा ने बचा लिया। बस मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, आज की मेरी यात्रा सफल। ખરેખર વિરાગ સાગર જી ગુરુજી ને હું ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું। આવા જે જીવદયાના કાર્ય, આવા જે આપણા ડોલીવાળા ભાઈ સાહેબોએ પ્રેરણા આપીને જે કરાવ્યો છે, ખરેખર અનુભૂતિનીય છે। અને વિરાગ સાગરજી ગુરુજીને ખૂબ ખૂબ હું વંદન કરું છું। અને સાહેબ આપના હાથે હજી પણ ખૂબ જીવદયાના કાર્યો થાય, અને આડેસર દાદા પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે આ ડોલીવાળા ભાઈને ખૂબ શક્તિ આપે, અને જીવદયાના જે પણ કંઈ ઈચ્છા થતી હોય આ તીર્થમાં તો આ લોકો જોવે અને એમની રક્ષા કરે। આજે અષાઢ સુદ તેરસનો મંગલમય દિવસ, લગભગ આજે શત્રુંજય ગિરિરાજની યાત્રા માટે 8 થી લગભગ 10,000 જેટલા જૈનોએ આજે યાત્રા કરી હશે। પહેલા હડે કે જ્યાં માતાના પાસ આપવામાં આવે છે, ઉસી જગહ પર પહેલે હડે કે ઉપર જ્યાં માતા કે પાસ દિયે જાતે હૈ, और वहीं पर पास में एक खाई के अंदर ये गाय आज नीचे उतर गई थी, गिर गई थी, उसका पैर पूरा बैंड हो गया, टूट गया है। और ये सुबह से इसके पीछे पड़े इस गाय को बचाने के लिए बहुत कोशिश चल रही थी। आखिर में हमारे सभी जो भी हमारे डोली वाले हैं, इनको जितने धन्यवाद हम देंगे उतना कम है। और सभी ने मिलकर आज अगर इस गाय को अगर आज नीचे अगर ये सभी उठाकर नीचे नहीं लाते तो शायद ये गाय आज मर जाती गिरिराज के ऊपर और उसकी कमोत हो जाती, और वो हमें मंजूर नहीं था। और इसीलिए सभी ने 3 घंटे से मेहनत की है तब जाकर एक गाय को बचाने के लिए। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 9160200603058333, IFSC कोड UTIB000 2863, पैन कार्ड नंबर AACTV111A, ATG अवेलेबल।